तो आज हमारे पास स्लोटिंग फैक्टर्स को याद करने की जो ट्रिक है वो ये है, उसके लिए जो हमने निमोनिक किया हुआ वो है, फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग सॉप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। कुछ जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो लॉन्ग सॉप्स को क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं क्रिसमस के बाद, और कुछ तो गिर भी जाते हैं। तो ये हमारा निमोनिक है स्लोटिंग फैक्टर्स का। तो अब इसका एफ से हमारे पास फाइब्रिनोजन बनता है, पी से प्रोथ्रॉम्बिंग बनता है, ट्राई से थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, सी से क्लाइंबिंग का कैल्शियम बनता है, लॉन्ग से लेबाइल फैक्टर प्रो एसिलेरिन बनता है, स्लोप से हमारे पास टेबल फैक्टर बनता है, आफ्टर से हमारे पास एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बनता है, क्रिसमस से हमारे पास एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी यानी क्रिसमस फैक्टर बनता है, सम से हमारे पास टूअर्ड प्रो फैक्टर बनता है, पीपल से हमारे पास प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर बनता है जो कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी है, हैव से हमारे पास हेगमैन फैक्टर, और फॉलन से हमारे पास फाइब्रिनोजन फैक्टर बनता है। अब आपने इसकी नंबरिंग देखनी है कि इसमें 6 नंबर नहीं है, बाकी सारी नंबरिंग है मुझे। और हमारे पास जो 8, 9, 11 है ये हमारे पास एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स हैं। 8, 9, 11 जो है वो हमारे पास 1, 2, 3 यानी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी हैं।